हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आपको लगेगा ये मैं कहाँ पर हूँ, तो हम सब फ्रेंड्स और सब लोग आए हैं अभी नीलकंठ धाम। यस, एक्चुअली हम आई थिंक 5 बजे के आसपास निकले थे, तो अब जाके 7 बजे पहुँच गए थे, लेकिन अब हम खाना खा रहे थे तो अब जाके खाना हमारा ख़त्म हुआ है और अब हम जाएंगे रूम की ओर और फिर बातें करेंगे। मेरी फ्रेंड्स अभी खा रही है, तो खाना खा रहे हैं वो लोग, और वो जैसे ही खाना खा के आए फिर हम जाएंगे थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ घूमेंगे और मैं आपको पूरा नीलकंठ धाम दिखाऊंगी, मुझसे जितना भी हो सकेगा उतना, तो बने रहेगा। और अभी यहाँ बहुत ही अच्छी लाइट है, ये देखिए है पीछे, यहाँ पर मंदिर है और यहाँ पर है कैंटीन है और भी बहुत कुछ है यहाँ पे, तो मैं सब दिखाऊंगी आपको, तो बने रहिएगा मेरे साथ। ये हमारे आउटिंग वाले व्लॉग में हो रहा है हमारा ऑर्डर फूड रेडी और ये है कैंटीन एरिया, काफ़ी बड़ा है और ये है फूड जो मैंने ऑर्डर किया था मेरे लिए। ये देखिए, ये है यहाँ का नाइट का लाइटिंग, ये है द एंट्री ऑफ द नीलकंठ धाम, एंट्री गेट है, यहाँ से ही अंदर जाएंगे हम, बहुत ही बड़ा है। पर हो गई है हमारी सुबह और अभी हम जा रहे हैं नीलकंठ धाम के दर्शन करने के लिए और ये है इसका गेट। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए, प्रसाद तो है नहीं लेकिन कुछ खाना खाने के लिए आए हैं और फिर हम घूमेंगे पूरा। इतने में थोड़ा लेट हो गया, अलार्म सबने रखा था लेकिन कोई उठा नहीं क्योंकि हम रात को देर तक बातें करते रहे थे और सो ही नहीं थे, तो अभी थोड़ा लेट हो गया, तो हमारा मॉर्निंग का थोड़ा बहुत सेशन तो चला गया। लाइक यहाँ पे अभिषेक होता है वो और फिर आरती होती है वो भी, तो कोई बात नहीं, जब छुट्टियों पे आते हैं तो एंजॉय करने का मेन पर्पज़ होता है, फिर जल्दी उठ के क्यों नींद खराब कर रही, आराम से उठते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं टाइम पे उठना चाहिए और जहाँ पे गए वहाँ का फुल सब कुछ देखना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। तो अभी हम जितना बाकी है वो आपको दिखाएंगे नाश्ता करने के बाद। ये है यहाँ का गार्डन एरिया, गया। और ये है प्रदक्षिणा पथ, यहाँ पे भगवान के मंदिर है छोटे छोटे अंतर में, ये पूरा का पूरा प्रदक्षिणा पथ है और यहाँ अलग अलग भगवान की मूर्तियाँ है। यहाँ एक साइड पे है लेक सरोवर और दूसरी साइड पे है गार्डन, काफी अच्छा है और अभी ट्रैफिक भी कम है,
तो घूमने में अच्छा लग रहा है और धूप भी नहीं है, तो हमने सोचा अभी ही एक्सप्लोर कर लेते हैं वरना फिर धूप ज्यादा हो जाएगी। तो फिर एक्सप्लोर करने में नहीं मजा आएगा, तो अभी हम घूम रहे हैं। एक सांस गौमुख धारा है, यहाँ पे जो चाहे वो नीचे चल के नहा सकता है, हम नहीं नहाने वाले। देखने के लिए ही जा रहे हैं यहाँ क्या है, भगवान ही होगा। मजा आया, सामने की गणपति गणपति जी है। मैं आपको बता दूं, मैं अकेले नहीं आई हूँ, मेरे साथ मेरे फ्रेंड भी है, दो तीन फ्रेंड है, लेकिन वो कोई नहीं आने चाहते वीडियो में, तो वो सब वीडियो के पीछे रहेंगे, मुझे हेल्प कर रहे हैं और सारा देख रहे हैं। तो मैं आज के सफर में मैं ही आपको दिखने वाली हूँ। बिल्कुल नदी के पास में ही ये नीलकंठ धाम है, हम वहाँ पे नहाने भी जा सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं जाएंगे, पानी बहुत कम है इसलिए। और यहाँ पे हम सबके प्यारे छोटे मोटे बाल स्वरूप की शक्ति मांगा ये देखिए, यहाँ पे हाथी भी है, इसके ऊपर ये लोग रात को फिर सवारी निकालते हैं भगवान की। ये देखिए, ये है यहाँ का पूरा व्यू, ये बहुत ही बड़ा है और देखने लायक भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे प्रदर्शन है, गार्डन एरिया बहुत बड़ा है और भी बहुत कुछ है, लेकिन हम वो सब एक्सप्लोर नहीं करने वाले हैं अभी, क्योंकि हमें यहाँ से कहीं और भी जाना है। तो बस थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे और अभी के लिए इतना ही एक्सप्लोर किया है, फिर आएंगे तब कुछ ज़्यादा करेंगे। तो बस अभी हम नीलकंठ धाम से निकल रहे हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग, और इस व्लॉग का पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि
हम अभी यहाँ से निकल के कहीं और जा रहे हैं, तो वहाँ का आएगा पार्ट टू। तो बने रहेगा मेरे साथ मेरी ये ट्रिप पे, और मुझे आप बताना कि आपको नीलकंठ धाम कैसा लगा और ये वीडियो कैसा लगा, और पार्ट टू आने वाला है वो भी कैसा लगा, सब मुझे बताना। अब हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं और वहाँ पहुँचेंगे, और फिर वहाँ से कंटिन्यू होगा ये ब्लॉग। तो मिलते हैं आपको पार्ट टू में।